हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका कल को जो है सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर होने वाला है, वो भी बीए फाइनल ईयर का। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इस प्रैक्टिस पेपर में जो है 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें जो है मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आपको आज शाम 8 बजे जो है एक मास्टर वीडियो मिलेगी, जिस मास्टर वीडियो में आपको जो है इसमें 6 यूनिट है आपका सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में, और 6 की 6 यूनिट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपका बिल्कुल रिसर्च के साथ लेकर आऊंगा। और दोस्तों, उस वीडियो में बनाने के में जो है बहुत मेहनत लगी है, तो उस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखना है, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और उसकी वैल्यू जो है आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल जुड़ना है, और आपको अपने दोस्तों में इस बात को भी शेयर करना है कि भैया के चैनल पे जो है आपका 8 बजे वीडियो आएगी। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो हमारे लिए भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप जो है 100 क्वेश्चन तो इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे, और लगभग 85 क्वेश्चन जो है उसको आपको मास्टर वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपके लिए सफिशियंट हो जाएंगे। अगर आप चाहे तो इसके अलावा मॉडल भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको अच्छे एग्जाम गेन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, और जैसे ही आपका कल एग्जाम होगा, आपका एग्जाम होने के बाद में जो है इसी चैनल से आपका एनालिसिस जो है आपको पेपर का देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल सही पर एवं सटीक जवाबों के साथ। मतलब क्या है कि आपको इसी चैनल के माध्यम से एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। कल के पेपर के अलावा आपका जितने भी बीए के एग्जाम होंगे, सभी का आपका एनालिसिस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो चैनल से जरूर जुड़ना है। चलिए दोस्तों, देखिए आज का हमारा जो सेट है, ये किस प्रकार से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का प्रकार नहीं है। दोस्तों देखिए, जो सामाजिक अनुसंधान के प्रकार है वो अनुभाविक भी होता है, प्रयोगात्मक भी होता है, और आपका अन्वेषणात्मक भी होता है। तो ये जो सजातीय है, सजातीय नहीं होता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान का प्रकार कौन सा नहीं होता? सजातीयता नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये संबंधित है आपका व्यवहारिक अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से पूछा गया है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का मुख्य कार्य है। ये देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण। क्या होगा? संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट और आंसर सटीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। इनमें से आपको बताना है, जो आपका सामाजिक अनुसंधान है वो कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है। कार्य कारण की व्याख्या, ये तो संबंधित है, और नए तथ्यों की खोज, ये भी संबंधित है, और आपका तार्किक दृष्टिकोण, ये भी संबंधित है, और मानवतावादी दृष्टिकोण, ये आपका सामाजिक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो आपका ये ही सही आंसर हो जाएगा। आपको ना सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपकी मास्टर वीडियो आएगी उसमें जो है एक एक क्वेश्चन रिसर्च के साथ बनाया गया है, तो इस वीडियो से जो है जरूर जुड़ना है। देखिए अगला सवाल, जीवन इतिहास संबंधित है। किससे संबंधित है? द्वितीयक तथ्य से। किससे? द्वितीयक तथ्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अवलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल कारक है? तो कौन सा है? कान, जीभ, या ये सभी, या आंख। कौन सा है प्रबल कारक? देखिए, अवलोकन के लिए अवलोकन होता है देखना, तो कौन सा हो जाएगा? आंख। आंख के द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, सरकारी दस्तावेज स्रोत है। किसके स्रोत है? जो हमारे सरकारी दस्तावेज होते हैं वो किसके सोर्सेज हैं? देखिए, प्राथमिक आंकड़ों के हैं, या द्वितीयक आंकड़ों के, या तृतीयक आंकड़ों के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सरकारी दस्तावेज है वे सोर्स होते हैं द्वितीयक आंकड़ों के। किसके होते हैं? द्वितीयक आंकड़ों के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से उत्तम निदर्शन की विशेषता कौन सी है? जो हमारा उत्तम निदर्शन है उसकी विशेषता कौन सी है? वो होती है निष्पक्षता, समग्र प्रतिनिधित्व, ये दोनों भी होते हैं, और आपका तर्क पर आधारित, ये भी होता है, और ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। आपको दोस्तों पेपर देने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में ये सभी मिल जाए तो आपको वही टिक करना है, उपरोक्त सभी मिल जाए तो आपको भी यही टिक करना है, और अगर आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार से मिले कि ए और सी दोनों, ए और बी दोनों, तो आपको उस पर ही टिक करना है क्योंकि इनको सही होने की जो है ज्यादा संभावना रहती है। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? देखिए जो हमारी गुणात्मक पद्धति होती है वो होती है वैयक्तिक अध्ययन। कौन सी होती है? वैयक्तिक अध्ययन हमारी जो है गुणात्मक पद्धति होती है। चलिए देखिए अगला सवाल, वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं। जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति है उसकी वस्तुनिष्ठता भी होती है, पुरुकथनीयता भी होती है और निश्चयात्मक भी होती है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। देखिए अभी तक ये सभी वाले केवल 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों में ये सभी आंसर है, तो आपको ये सभी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एग्जाम में। देखिए अगला सवाल, सामाजिक अनुसंधान तथ्यों की खोज है। किसके है? नए तथ्यों की खोज। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा सामाजिक अनुसंधान है उससे जो है नए तथ्यों की खोज होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सम्मिलित कर सकते हैं, तो हम किसको कर सकते हैं? सिद्धांत और भूतकालीन को कर सकते हैं, और आपका अनुसंधानकर्ता का अपना अनुभव ये भी कर सकते हैं, और आपका प्रायोगिक पक्ष में हल की आवश्यकता ये भी कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। देखिए इसमें भी जो है ये सभी ही सही हो गया, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये सभी वाले पर ही टिक करना है। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। वर्णनात्मक अनुसंधान सहायक है क्योंकि, क्योंकि क्या हो जाएगा? प्रभावशाली राय के रूप में प्रयुक्त, विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक समस्याओं की खोज में सहायक, या आसानी और सहजता से प्रयुक्त। देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ये सभी, उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है? देखिए जो बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है वो है आपका तुलनात्मकता। क्या है? तुलनात्मकता जो दोष है वो आपका बिंदु रेखा चित्र का नहीं है। चलिए अगला सवाल, उपकल्पना की, सॉरी दोस्तों, उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजना है, यह कथन है, यह कथन आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। देखिए उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजना है, यह कथन जो है आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, संगणकना सर्वे क्योंकि चर्चित नहीं है। देखिए संगणकना सर्वे क्योंकि चर्चित नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं है? अत्यधिक समय लगता है, बहुत महंगा पड़ता है, जी हाँ, और आपका अत्यधिक संख्या में अनुसंधानकर्ता की जरूरत है, ये भी सही है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी फोर क्या होता है? डंकी। हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए मैंने अभी 4 क्वेश्चन बताए हैं उपरोक्त सभी वाले, जिनमें चारों में उपरोक्त सभी ही सही आंसर होगा, तो आपको एग्जाम में भी इस पर ही टिक करने की संभावना ज्यादा रखनी है। देखिए अगला सवाल, आत्मकथा आंकड़े एकत्र करने का स्रोत है, तो क्या है? यह है द्वितीयक स्रोत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, C4 चीता। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अनियंत्रित अवलोकन का दोष है? देखिए जो आपका अनियंत्रित अवलोकन का दोष है वो है आपका वैयक्तिक पक्षपात। क्या है? वैयक्तिक पक्षपात। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ए या बी दोनों, देखिए यहाँ पर ये जो है गलत भी हो सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको प्रायोरिटी इनको ही देनी है, ठीक। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ही लगाने हैं, प्रायोरिटी देनी है, अगर आपको पता है कि ये सही है तो आप उसको ही टिक करेंगे। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है? तो गुणात्मक पद्धति होती है आपकी वैयक्तिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। A4 क्या होता है? अगस्त। देखिए अगला सवाल, वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए वस्तुनिष्ठता भी है, पुरुकथनीयता भी है, निश्चयात्मक भी है, ये सभी। देखिए क्वेश्चन हो गया है रिपीटेड, रिपीटेड हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसीना। चलिए अगला सवाल देखिए, सामाजिक अनुसंधान डॉट डॉट तथ्यों की खोज है, तो किसके तथ्यों की खोज है? ये है नवीन। किसकी है? नवीन। किसके हैं? नवीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये स्लाइड मुझे लगता है जो है ये पूरी की पूरी ही जो है ये मतलब आपका रिपीट हो गई है शायद। हाँ, शायद रिपीट हो गई है, तो चलिए देखिए देख लेता हूँ मैं इसको, ये आपका रिपीट है या नहीं है। यहाँ पर है 7, 8, 9, 10। नहीं, रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है, तो
तो चलिए अगले सवाल पर देखेंगे हम फिर। रिपीट नहीं है, सॉरी रिपीट नहीं है, ये सीरियल वाइज है। देखिए अगला सवाल, अनुसंधानीय समस्या के स्रोत में सम्मिलित कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, वर्णात्मक अनुसंधान सहायक है क्योंकि इसमें भी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है, कौन सा नहीं है, तुलनात्मक नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, उपकल्पना कार्य की प्रस्तावित योजना है या कथन जो है आपका सत्य है। मुझे रिपीटेड ही लग रहे हैं क्वेश्चन ये अभी भी। संगणना सर्वे क्योंकि चर्चित नहीं है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोई बात नहीं, इनको हम दमादम कर लेते हैं ऐसे ही, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। आत्मकथा आंकड़े एकत्र करने का स्रोत क्या होता है, द्वितीयक है, ये आपको पता है। और आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चित अवलोकन का दोष है, कौन सा है, वैयक्तिक पक्षपात, मैंने आपको बताया है अभी ऊपर ये। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से शुरू होते हैं आप देखिए। विपणन अनुसंधान आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं, गहन साक्षात्कार द्वारा, जी हाँ किए जाते हैं, अवलोकन द्वारा भी किए जाते हैं, नियंत्रित प्रयोग द्वारा भी किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्न में से किस आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक में विभेद किया जा सकता है, किसके द्वारा, संग्रहण द्वारा किया जा सकता है, मूलता द्वारा किया जा सकता है, उद्देश्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्या हो जाएगा ये सभी। देखिए अगला सवाल, वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं कौन सी है, वस्तुनिष्ठता भी है, पुरुकथनीयता भी है, निश्चयात्मक भी है, और आपका ये सभी भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए अगला सवाल, जब तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, निगमन पद्धति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है, तो गुणात्मक पद्धति कौन सी होती है, वो होती है वैयक्तिक अध्ययन, कौन सी होती है, वैयक्तिक अध्ययन, ए फॉर एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, एक उत्तम सारणी की विशेषताएं बताइए। देखिए जो हमारी एक उत्तम सारणी होती है वो आकर्षक भी होती है, तुलना करने की सुविधा भी होती है उसमें, और समुचित आकार भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डंकी। देखिए अगला सवाल, बंद प्रश्नावली के विकल्प होते हैं, क्या होते हैं, चित्रमय, असीमित, या ये सभी, या सीमित। देखिए जो हमारी बंद प्रश्नावली होती है उसके विकल्प होते हैं सीमित, क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोल। देखिए अगला सवाल, साक्षात्कार के प्रकार है, साक्षात्कार के प्रकार कौन सा है, मनोवृत्त नहीं है, औपचारिक नहीं है, परलेखीय नहीं है, क्या है, संयोजित, संयोजित इसका जो है एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डंकी। देखिए अगला सवाल, सहगामी तथा अनुगामी पत्र संबंधित है, किससे संबंधित है, यह आपका प्रश्नावली से संबंधित, देखिए प्रश्नावली से, ऑप्शन नंबर डी, डी फोर क्या होता है, देवसेना। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28वां, इनमें से कौन सी देव निदर्शन चुनने की विधि है, तो कौन सी है, लॉटरी विधि भी है, टिपेट विधि भी है, आपका कार्ड विधि भी है, तो जब ये तीनों है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डी फोर क्या होता है, डॉन, डी फोर डॉन, यानी कि ये सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती, तो किस में नहीं होती, असंचरित में नहीं होती, किस में, असंचरित साक्षात्कार में नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी, सी फोर क्या होता है, चीता। देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है, देखिए अर्ध सहभागी अवलोकन को किसने माध्य मार्ग माना है, तो किसने माना है, लिंडमैन ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल, एक भौतिक इकाई पर किए गए अवलोकन को जाने जाते हैं, तो किससे, वैयक्तिक अध्ययन से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32वां, निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रहण की विधि नहीं है। देखिए जो आंकड़े संग्रहण किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, वो साक्षात्कार द्वारा भी किए जाते हैं, अवलोकन द्वारा भी किए जाते हैं, और आपका प्रश्नावली द्वारा भी किए जाते हैं, प्रयोग द्वारा नहीं किए जाते। तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा, बी फोर बॉय। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33वां, द्वितीयक मौजूदा आंकड़ों को निम्न में सम्मिलित होते हैं, तो किसमें होते हैं, उपर्युक्त सभी में होते हैं। देखिए जहां पर भी उपरोक्त सभी होगा ना, आपको आंख बंद करके वही लगा देना है। देखिए अगला सवाल, खुले प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार के आंकड़ों में उपलब्ध कराते हैं, किसमें, देखिए प्रश्न, खुले प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार के आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं, जो खुले प्रश्न है वे कराते हैं आपका गुणात्मक आंकड़े को, किस को कराते हैं, गुणात्मक आंकड़े को, ऑप्शन नंबर ए,
A4 क्या होता है? A4 जैसा मैंने आपको बताया, एप्पल। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख विधि है? देखिए आंकड़े संग्रहण किए जाते हैं साक्षात्कार से भी, द्वितीयक आंकड़े भी, और प्रश्नावली भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या? D4 Don। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख विधि नहीं है? ध्यान से पढ़िए, कौन सी विधि नहीं है जिससे आंकड़े नहीं जो है संग्रहण किए जाते? किसके द्वारा नहीं किए जाते? केंद्रित समूह द्वारा नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि A4 होता है एप्पल। देखिए अगला सवाल, व्यवहारात्मक अध्ययन किसके द्वारा संभव है? किसके द्वारा है? साक्षात्कार के द्वारा भी है, अनुसूची के द्वारा भी है, और गहन साक्षात्कार के द्वारा भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D4 Don, यानी कि ये सभी हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किसने कहा अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है? इसका जो राइट आंसर है आपका, ये कथन कहा है किसने? मोजर ने। किसने कहा है? मोजर ने। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, हमारा एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अनुसंधान का आधार उद्देश्य है? नवीन, पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण, या ए व बी दोनों? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। सारणीकरण क्या है? दोस्तों देखिए जो सारणीकरण है वो वर्गीकरण भी है, वर्गीकृत आंकड़ों को रो कॉलम में करना भी है, और आपका प्रश्नों के अर्थपूर्ण उत्तरों एवं वर्गीकरण करने हेतु वर्गीकरण करना भी जो है हमारा सारणीकरण कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D4 आपका देवसीना, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त से भी। देखिए अगला सवाल, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान के विकास में सहायक है, क्या ये कथन आपका सत्य है? जी हाँ, ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। देखिए अगला सवाल, क्षेत्र संपादन है, ये है आपका प्राथमिक संपादन से, किससे प्राथमिक संपादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, अधिक मात्रा में मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण संबंधित होता है, किससे होता है? वर्गों के प्राप्तांक की गणना करना, ये क्या कहलाता है आपका? अधिक मात्रा में मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रहण करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। जब बड़े आंकड़ों के समुच्चय के लिए आवृत्ति वितरण का निर्माण किया जाता है तो यह अच्छा होता है कि वर्गीकृत किया जाए? तो देखिए कितने वर्गों में? 5 से 10 वर्गों में, या 5 से 15 वर्गों में, या 5 से 20 वर्गों में, या 10 वर्ग से कम में? देखिए जो वर्गीकरण किया जाता है आपका आंकड़ों का समुच्चय आवृत्ति वितरण में, वो होता है आपका 5 से 10 वर्गों में। किसमें होता है? 5 से 10 वर्गों में। A4 एप्पल, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण है? तो कौन सा है सामाजिक अनुसंधान का द्वितीय चरण? वह है आपका साहित्य अवलोकन। कौन सा है? साहित्य अवलोकन। C4 क्या होता है? चाउमीन। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सी एक विशेषता सारणी की है? देखिए जो विशेषता होती है सारणी की, वो स्पष्टता भी होती है, आकर्षणता भी होती है, और उसका एक निश्चित आकार भी होता है। तो दोस्तों जब ये होते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाता है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से साक्षात्कार का दोष कौन सा है? तो कौन सा है दोष? दोष का मतलब होता है कमी। कौन सी साक्षात्कार की कमी है? वो है आपकी विस्मृति का प्रभाव। ऑप्शन नंबर C4 चीता, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अनुसंधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है? देखिए जो हमारी रिपोर्ट होती है उसका मुख्य भाग सार भी होता है, परिणाम भी होता है, फुटनोट भी होता है, विधि नहीं होता। किसका रिपोर्ट का भाग विधि नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। किस भाग में आप अंतर्तोगवा परिणाम का मूल्यांकन और उसकी व्याख्या करते हैं? तो किस में करते हैं? विचार विमर्श में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। सारणीकरण का आंकड़ों द्वारा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है? अस्थायी प्रभाव पड़ता है, काल्पनिक या अस्थायी या वास्तविक? देखिए जो सारणी द्वारा सारणीकरण का आंकड़े होते हैं उनसे मस्तिष्क पर जो है वास्तविक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, A4 क्या होता है? A4 एप्पल। देखिए दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी प्रकार से BA के सभी एग्जामों का एनालिसिस मिलता रहेगा, और उससे पहले जो है आपको
इसी प्रकार से आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अनियंत्रित अवलोकन को। किसे कहा जाता है? अनियंत्रित अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? देखिए जो ये सहभागी अवलोकन है, इसका प्रयोग किया था सबसे पहले लिंडमैन ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। लिंडमैन ने इसका जो है आपका प्रयोग किया था सबसे पहले। अवलोकन विधि द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, तो कितने कौन से तत्वों का? प्राथमिक तथ्यों का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी C4 चीता हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? ये आपकी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है सभी बुकें आपको एक बार जो है पढ़ लेनी है। कुछ बुक में आपको जो है इम्पोर्टेंट है, वो आपका आपका जो 8 बजे मास्टर वीडियो आएगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस वीडियो को जरूर देखना है और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर करना है। देखिए द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, इसके जो लेखक है वो है RL Ephop। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55। 11, 12 और 13, 13 का माध्य क्या है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। 12 आपको पता है माध्य किस प्रकार से निकलता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए अगला सवाल, बिंदु रेखा चित्रों के प्रकार हैं। दोस्तों जो बिंदु रेखा चित्र है वो प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था समाजशास्त्र में इसका वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग, वो किया था स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर सी C4 चीता। चलिए अगला सवाल, बिंदु रेखीय चित्र का प्रकार है। देखिए समय ये भी है, आवृत्ति वितरण वाले बिंदु रेखीय चित्र ये भी है, तो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? यानी कि जो हमारी प्रश्नावली होती है उसे क्या कहते हैं जिसमें संभावित उत्तर पहले ही दिए जाते हैं विकल्प के रूप में? उसको कहते हैं हम प्रतिबंधित प्रश्नावली। क्या कहते हैं? प्रतिबंधित प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर बी P4 बाहुबली। देखिए अगला सवाल, कौन सी प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शित के समान नहीं होती? कौन सी नहीं होती? संरचित प्रश्नावली नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61। तथ्य संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहलाती है, वह कहलाती है आपकी प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर बी P4 बॉय। देखिए अगला सवाल, एक अच्छे निर्देशन की विशेषता है। देखिए जो एक अच्छा निर्देशन होता है उसमें समग्र प्रतिनिधित्व भी होता है, पर्याप्त आकार भी होता है, निष्पक्षता भी होती है। जब ये तीनों हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। देखिए सॉरी। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। संभावित निर्देशन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है देव निदर्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। कुछ के आधार पर संपूर्ण अध्ययन क्या है? ये है आपका निदर्शन। किसके आधार पर? कुछ के आधार पर। देखिए अगला सवाल, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिक संबंधों की प्रकृति है। दोस्तों जो सामाजिक संबंध होते हैं वो होते हैं आपके गुणात्मक। कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति होती है। जो हमारी सामाजिक घटना होती है वे होती है जटिल। कैसी होती है? जटिल होती है हमारी सामाजिक घटनाएं। देखिए अगला सवाल, सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी है? एक खर्चीली प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक आपका सर्वेक्षण। देखिए अगला सवाल, पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जाता है। देखिए जो पूर्वगामी सर्वेक्षण है वो किया जाता है आपका मुख्य सर्वेक्षण से पहले। क्या किया जाता है? पूर्वगामी सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर A A4 Apple बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निदर्शन के प्रकार है। देखिए असंभावित निदर्शन भी होता है, संभावित भी होता है, और आपका जब ये दोनों होते हैं तो ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70। हुआ भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो भौगोलिक क्षेत्र के आपका चुनाव होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है लॉटरी विधि का। किसमें किया जाता है? लॉटरी विधि का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी T4 डंकी। देखिए अगला सवाल, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रचलन है, तो क्या है ये? अवलोकन पद्धति का प्रचलन सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर A A4 Apple। देखिए अगला सवाल, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। देखिए जो हमारा वर्तमान समय है उसमें फिलहाल साक्षात्कार के जो हमारे माध्यम है वो टेलीफोन भी है, इंटरनेट भी है, और बच्चों को आमने सामने बैठाकर भी हम साक्षात्कार लेते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 73 आपको बताना है इसमें बहुलक, बहुलक होता है जो इसमें सबसे ज्यादा बार आता है, जिसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 22, 1, 2, 3 और 4, 4 बार 22 आया है, तो दोस्तों इसका जो बहुलक हो जाएगा 22 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है? देखिए जो हमारे क्रियात्मक शोध होता है उसकी प्रकृति होती है निदानात्मक। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A4 क्या होता है, A4 एप्पल। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक अनुसंधान का परिणामार्थक कारक क्या है? देखिए नवीन एवं अप्रत्यक्ष परिस्थितियां भी हैं, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा भी है, और आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, प्राथमिक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा जो है आपका प्राथमिक तथ्यों का संकलन यानी कि इकट्ठा नहीं किया जा सकता? साक्षात्कार द्वारा किया जा सकता है, क्षेत्र कार्य द्वारा, अनुसूचित द्वारा, पुस्तकों द्वारा हम जो है प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77, जनगणना रिपोर्ट है दोस्तों, जो जनगणना रिपोर्ट है ये आपका एक है द्वितीयक तथ्य, क्या है, द्वितीयक तथ्य, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। देखिए अगला सवाल, सूचना के स्रोत के प्रकार हैं दोस्तों, जो सूचना के स्रोत है वो प्राथमिक भी होते हैं द्वितीयक भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है? देखिए साक्षात्कार भी एक वैज्ञानिक विधि है, आपका सामाजिक मिति भी है, अवलोकन भी है, क्या नहीं है आपका, प्रयत्न एवं भूल नहीं है आपका वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, अनुसंधान परिकल्पना है दोस्तों, जो अनुसंधान ये परिकल्पना है किसकी, ज्ञान प्रस्ताव की, किसकी है, ज्ञान प्रस्ताव की, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81, शैक्षिक अनुसंधान अद्वितीय है क्योंकि, यह सामाजिक है, जी हाँ, यह मूल्य संबंधित है, जी हाँ, यह भविष्य केंद्रित होता है, ये भी है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये सभी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, शोध प्रबंध सीमाएं हैं। देखिए जो शोध प्रबंध सीमाएं हैं वो होती है अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तावित, जी हाँ होती है, अनुसंधान परिस्थिति के कारण भी होती है, गणित टूल की मांग के कारण भी होती है, तो आपका ये नहीं होती, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका बी नहीं होगी क्योंकि अनुसंधान परिस्थिति के कारण नहीं होती है आपकी शोध प्रबंध सीमाएं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण है? देखिए जो सामाजिक अनुसंधान है उसका प्रथम चरण है आपका समस्या का निर्माण करना, क्या है, समस्या का निर्माण करना। देखिए अगले, देखिए अगला सवाल, कोठारी समिति के प्रतिवेदन को किस रूप में जमा किया गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास में जो है आपका कोठारी समिति के प्रतिवेदन को क्या किया गया था, जमा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, C4 चीता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी विधि साक्षात्कार के समय आंकड़ों के रिकॉर्ड के लिए सबसे अच्छी है? तो कौन सी है, वीडियो टेपिंग विधि है, कौन सी विधि है, वीडियो टेपिंग, ऑप्शन नंबर ए, A4 एप्पल। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी सांख्यिकी तकनीकी गुण नियंत्रण में प्रयोग की जाती है? कौन सी की जाती है, माध्य भी की जाती है, बहुलक भी की जाती है, विस्तार भी की जाती है, तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, D4 क्या होता है, डंकी। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 87, अनुसंधान में नीति परिचायक है? देखिए अनुसंधान में जो नीति परिचायक है वह है किसी दूसरे के अनुसंधान को उद्धृत करना, ऑप्शन बी इसका जो है सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 88, मापदंड से आशय है, मापदंड क्या होता है, एक आदर्श होता है, औसत होता है, मॉडल होता है या सीमाएं? देखिए जो मापदंड होता है वो होता है आदर्श, क्या होता है, आदर्श, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सर्वे मैथ्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपका मोजर ने, किसने लिखी है, मोजर ने, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वे अनुसंधान के प्रकार हैं? सर्वे अनुसंधान के प्रकार प्रतिदर्श भी हैं, संगणना भी है, अनुमगमन भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, T4 देवसीना। देखिए अगला सवाल, चरों का एक ऐसा मान जो वितरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है? देखिए जो मान जो है अधिकता में पाया जाता है उसको कहते हैं हम बहुलक, मैंने आपको बताया है बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार पाया जाता है उसको कहते हैं बहुलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, वास्तव में अनुसंधान रिपोर्ट द्वारा संप्रेषण होता है,
अनुशमित भी होता है, अध्ययन व परिणाम भी होता है, भावी शोध हेतु प्रक्षेपित भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम राइट और सटीक हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गुण अनुसंधानकर्ता में पाया जाता है? दोस्तों जो अनुसंधानकर्ता का गुण है वो होना चाहिए सहनशीलता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। लंबे बाल नहीं, अच्छी लंबाई नहीं, गोरा रंग नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय समाज के बारे में सामग्री एकत्रित करने हेतु किस प्रविधि को प्राथमिकता दी जा सकती है? तो किसको दी जा सकती है? वो दी सकती है आपका सामाजिक सर्वेक्षण को। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल। देखिए अगला सवाल 95 हुआ, किस मानव शास्त्री ने सबसे पहले अध्ययन से सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है? वो है आपका बी विलेनोवस्की। क्या है? बी विलेनोवस्की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 हुआ, वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं, उसको कहते हैं हम जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं, द्वितीयक तथ्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सहभागी अवलोकन से संबंधित है? देखिए जो सहभागी अवलोकन से संबंधित है वो है वाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एकदम बिल्कुल। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? देखिए जो निदानात्मक साक्षात्कार है वो गरीबी भी है, खेल भी है, नौकरी भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, डी फोर क्या होता है? देवसीना। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 99 हुआ, वस्त्रहीन उपागम किसे संबंधित है? देखिए जो वस्त्रहीन उपागम है वो किससे संबंधित है? दुर्कीम से नहीं, स्पार्समन से नहीं, ये संबंधित है वेबर से। किससे संबंधित है? ये आपका वेबर से। ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो कि हमारे आज का प्रैक्टिस पेपर का अंतिम सवाल है, देखिए इनमें से कौन सा सर्वेक्षण का यंत्र नहीं है? देखिए साक्षात्कार भी है, अनुसूची भी है, निदर्शन भी है, उपकल्पना नहीं है। क्या नहीं है? उपकल्पना जो है सर्वेक्षण का यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, डी फोर देवसीना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के सेट के 100 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो 8 बजे मिलेगी तो वीडियो से जरूर जुड़ना है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा उस वीडियो से बेनिफिट मिलने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आपको एनालिसिस भी चाहिए सभी एग्जामों का, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से एनालिसिस भी बहुत सटीक तरीके से मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की, तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लासेस के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट होती है वो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।